Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. शुरू करते हैं और राधा मखेश्वरी देश्वरी अदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी रमान शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे चिराधिके नमोस्तुते चिराधिके नमोस्तुते चिराधिके नमोस्तुते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले शिवते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी प्रभु जी और माता जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज मुझे भागवतम के दूसरे कैंटो के दसवें अध्याय के एक से लेके 25 तक श्लोकों की मुझे सेवा करनी है। आप सबसे प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा ठीक से कर सकूं। तो ये हमारा पूरा जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी ने हम सबको ये सेवा बहुत अच्छे से दी है कि हम फिर से एक बार इन चैप्टर को रिवाइज कर सके, ताकि हम जो आगे आगे पढ़ते जाते हैं तो पीछे का सारा भूल जाते हैं। तो अब ये जो दसवा अध्याय है इसका नाम है श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को, महाराज परीक्षित को, जो ब्रह्मांड के है ना महाविष्णु है या कृष्ण है, इनका और हमारा जो घनिष्ठ संबंध है ना, उसके बारे में और विस्तार से यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं कि हम क्या है, हम भगवान के अंश हैं, है ना, हमारे अंदर भगवान के क्या है, अंश मात्र भगवान के गुण है, लेकिन मात्रा कैसे है, मात्रा में हम कम है, भगवान विभु है और हम क्या है, हम अणु है। तो गुण तो समान है लेकिन कैसे है, हमारी उसकी जो गुणों की मात्रा है वो हम में कम है। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें वो सारा कुछ कैसे हमारा रिलेटेड है, हमारी इंद्रिया है ना, हमारी इंद्रिया भगवान से ही आ रही है, हमारी जो भी कुछ इच्छाएं हैं वो भी भगवान से आ रहा है। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी और प्रभुपाद हमें इतना सुंदर यहाँ पे बताते हैं कि हमारी सारी इंद्रियां, हमारी सारी इच्छाएं,
हम भगवान के अंश होने के कारण क्या है, सारा कुछ उन्हीं से हमें प्रकट हो रहा है या उन्हीं से उत्पन्न हो रहा है। तो बस एक श्लोक तो पढ़ेंगे ही और फिर आगे इसका थोड़ा थोड़ा सा अनुवाद पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़ेंगे। श्री शुक उवाच, अत्र सर्गो विगर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवतम में 10 विभाग है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति उपसृष्टि लोक लोकांतर श्रीमद् श्री भगवान द्वारा पोषण सृजन की प्रेरणा मनुओं के परिवर्तन ईश्वर का विज्ञान अपने घर भगवत धाम वापस जाना मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है ना। तो भगवान यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, पूरा जो मनुष्य अपने जीवन के जो लक्ष्य बनाए हुए हैं तो उसकी सफलता कैसे प्राप्त करें, धर्म भी करें अर्थ भी करें काम भी करें और अंतिम क्या है मोक्ष की भी प्राप्ति करें। तो हमारे जीवन में हमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, वो धर्म के अनुसार होने चाहिए। जैसे भगवद गीता में बताया है, हमारे जैसे शास्त्र कह रहे हैं, हमारा जो मानव धर्म है उसके अनुसार हमें धर्म करते हुए अर्थ अर्थ यानी हमारा जो भी धन संचय है हमारे जो भी काम है तो उसको हमें करना है, लेकिन धर्म को क्या करना है सेंटर में रखना है ना, हमारे जो भी शास्त्रों के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए। फिर काम, हमारी जो भी इच्छाएं हैं हमारी जो भी वासनाएं हैं ना, हमें घर चाहिए पत्नी चाहिए बच्चे चाहिए तो ये सारी वो भी पूरी करो ना, भगवान कहते हैं उनको भी पूरा करो। फिर क्या है धर्म हो गया अर्थ हो गया काम हो गया, अभी क्या है, अभी ये सारी चीजें तो हो गई, धर्म के साथ तुमने अर्थ को भी कमाया काम की भी तुम्हारी इच्छाएं हो गई, अभी मोक्ष के लिए प्रयास करो। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप है ना, अपने अपने जो अंश है जो हमारे लिए भगवान ने ये सारा कैसा ये सिस्टम बना के रखा है कि अपनी इच्छाओं को भी पूरा करो और फिर तुम इससे उब जाओगे, इससे क्या होगा तुम्हारा मन भर जाएगा तो तुम क्या करो, तुम अभी मोक्ष की प्राप्ति के मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो है ना, मुझे ढूंढने का प्रयास करो अपने घर वापस आने का प्रयास करो। लेकिन इंद्रिय तृप्ति में हम इतने खो जाते हैं इतने डूब जाते हैं कि हमें भगवान के घर अपना जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप को ही हम भूल बैठे हैं। तो आगे हम जल थोड़ा थोड़ा सा अनुवाद पढ़ेंगे ताकि इसको और विस्तार से हम जान पाएंगे। जीवात्माओं के लिए उचित स्थिति तो यही है कि श्री भगवान के नियमों का पालन करें और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करें। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए है, कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम करने की आकांक्षा है। तो देखिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान ने जो भी मार्गदर्शन किया है उसके अनुसार ही जीवात्मा को क्या करना होगा, अपने कार्यों को करना होगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान से ही आए हुए हैं। तो आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार गर्भोदक्षायी विष्णु से शिरोदक्षायी विष्णु प्रकट होते हैं। पहले तो कारणोदक्षायी विष्णु जो कारणानव सागर में जो लेटे हुए हैं वो कारणोदक्षायी विष्णु है। तो कारणोदक्षायी विष्णु से गर्भोदक्षायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु से शिरोदक्षायी विष्णु है ना। तो इस तरह से क्या है विष्णु के विस्तार हो रहे हैं और इन्हीं विष्णुओं के क्या है हम उनके ही अंश है, क्योंकि ब्रह्मा जी जब कमल नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी इन सारी जीवात्माओं की क्या करते हैं ये सृष्टि करते हैं सृजन करते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने सृजन कर दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करी तो ब्रह्मा जी भी सृष्टि कैसे करते हैं ये पिछले अध्याय में हमने देखा था कि वो ध्यान करते हैं है ना, भगवान के नाम का तप करते हैं और तप करने से उनके हृदय में भगवान वो ज्ञान प्रकाशित करते हैं, उनको वो प्रेरणा देते हैं और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करते हैं।
तो ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करते हैं, शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं, और विष्णु जो शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में है वो क्या करते हैं, वो सृष्टि का पालन करते हैं। तो सृष्टि के पालन करता कौन है, सृष्टि के पालन करता या हमारे पालन करता, हमारे पिता है भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण। तो आगे अभी ये जो भगवान के अंग है, ये जो भगवान के अंग है ये किस तरह से प्रकट हो रहे हैं, और जैसे भगवान के अंग प्रकट होते हैं तो हम उनके ही अंश है, तो ये हमारे अंदर भी उनके गुण है, उनके वो रंग रूप है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इसके बारे में बताने जा रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं। परम पुरुष जो सर्वोपरि व्यक्ति या परमात्मा के रूप में विख्यात है, वे प्रकट सृष्टि के सर्वोपरि स्रोत है और उनके आगर तथा लय है। इस प्रकार से वे परम स्रोत परम सत्य है। तो जो सृजन और पालन कर रहे हैं, तो ये पालन करने वाले जो परम विष्णु हैं, उनके बारे में अभी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है, और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव अधिदेवी कहलाता है। नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। अभी सुखदेव गोस्वामी भगवान के अलग अलग अंगों के उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे इस तरह से जो भगवान लेटे हुए हैं, वो लेटे हुए जो महाविष्णु है, तो महाविष्णु के अभी अंगों का किस तरह से वो अंग, फिर उनसे जो इंद्रियां है, फिर इंद्रियों से जो इच्छाएं है ना, वो सारे प्रकट हो रहे हैं। इसका विश्लेषण करते हैं, बताते हैं। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सब को भोगने वाले जीवात्मा भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हो जाती है। तो हमारा जो भी कुछ है, हमें जो भी कुछ मिलता है, जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है, वो भगवत कृपा से ही है। हम मिथ्या अहंकार के वजह समझ पाते हैं कि हमें लगता है ये मेरा है, ये मैंने उत्पन्न किया है ना, ये मेरा कर्तृत्व है। लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कितने क्लियर शब्द में बता रहे हैं कि हमें जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है वो भगवत कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। और किस तरह से प्राप्त होगा, तो इसका आगे विश्लेषण करते हैं। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवन शक्ति प्राण का समग्र स्रोत उत्पन्न होता है। देखिए, महाविष्णु से ही बल, आध्यात्मिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल उत्पन्न हो रहा है। तो हमारे पिता से जो उत्पन्न हो रहा है, तो उनकी संतति में, उनके पुत्रों में ये बल क्या हो जाते हैं, बल उनके पूरे स्थानांतरित हो जाते हैं, है ना, हमारे अंदर वो ट्रांसफर होते जाते हैं। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते जुलते हैं, और जब संपूर्ण शक्ति निचेष्ट हो जाती है तब अन्य समस्त जीवों की ऐन्द्रिक क्रियाशीलता रुक जाती है। कैसे ये जो भौतिक सृष्टि है, ये कैसे चलायमान है, ये चलायमान है, तो ये इसको चलाने वाले, इसका नियंत्रण करने वाले भी कौन है, इसका नियंत्रण, इसका कंट्रोलर भी भगवान है। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवन शक्ति से भूख तथा प्यास का भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। तो जो अभी कर्णोदक्षाई विष्णु जो सागर में, कर्णो सागर में जो लेटे हुए हैं,
तो जब अब वो इच्छा करते हैं, जब उनको भूख लग रही है, उनको प्यास लग रही है, तो क्या है, मुख की उत्पत्ति हुई है, मुख उत्पन्न हुआ है ना। अभी हमारे एक एक इंद्रिय किस तरह से प्रकट हो रहे हैं या उत्पन्न हो रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। मुख से तालू प्रकट हुआ और फिर जीभ की उत्पन्न हुई। इन सबके पश्चात विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीभ उनका स्वाद ले सके। अभी जैसे मुख प्रकट हुआ, उसके बाद कह रहे हैं कि जीभ का जिह्वा है ना, जिह्वा प्रकट हुई, उसके बाद तालू, जिसके वजह से हम रस का आस्वादन कर सकते हैं। अभी जब ये इंद्रियां बन रही हैं, तो इंद्रियों के साथ साथ जो हम कहते हैं ना 33 करोड़ जो देवता है, तो इनके साथ साथ हर एक इंद्रियों के साथ साथ एक एक देवताओं की भी उत्पत्ति यहाँ पे हो रही है। एक एक देवता भी यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मुख जीभ का आश्रय स्थल बनता है जो विभिन्न रसों का आस्वाद करता है, जिसका नियामक देव वरुण है। तो अभी जिह्वा का, जीभ का नियामक देव यहाँ पे वरुण प्रकट हुए हैं। इससे यह सूचित होता है कि जीभ के साथ ही वरुण भी उत्पन्न हुआ। तो देखिए, एक एक अभी देवता भी एक एक इंद्रियों के साथ यहाँ पे उत्पन्न या प्रकट हो रहे हैं। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई, तो उनके मुख से वाणी गूंजे, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई। किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे, तब वे सारे कार्य बंद पड़े थे। तो जब अभी बोलने की इच्छा हो रही है ना, वाणी वाणी शब्द बाहर पड़ेंगे, तो अभी बोलने की इच्छा हुई, तो बोलने की इच्छा से क्या हो गया है, वाणी है ना, बोलने की इच्छा, वाणी प्रकट हो रही है। तो ये वाणी का जो देव, वाणी की जो देवता है वो कौन है, अग्नि देवता है। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंध सुनने की इच्छा हुई, तो नथुने तथा श्वास, घ्राणेन्द्रिय तथा सुगंधों की उत्पत्ति हुई, और सुगंध को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। तो अभी जब नासिका है ना, नासिका उत्पन्न हुई है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सूंघते हैं, सुगंध लेते हैं। तो जब भगवान को सुगंध लेने की इच्छा हुई, नासिका उत्पन्न हो गई, और नासिकाओं के साथ नासिकाओं के जो देवता है, अधिष्ठाता देव है, वो भी उसके साथ प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी, अभी तो मेन इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं, कि इस तरह जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी, तो श्री भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सब को देखने की इच्छा हुई। तब आंखें प्रकाशित करने वाले सूर्य देव, देखने की शक्ति तथा दिखने वाली वस्तु, ये सभी प्रकट हुए। अभी भगवान ने ये सारा चीज प्रकट तो कर दी, तो प्रकट करने पे क्या है, सभी जगह पे अंधकार है, तो अंधकार है तो भगवान ने ये जब सारी रचनाएं करी, तो भगवान को इनको देखने की इच्छा हुई। तो देखने के लिए क्या चाहिए, तो देखने के लिए वो दो चक्षु, वो आंखों की निर्मित हुई। तो ये आंखों से, आंखों के जो देव है सूर्य देव, तो उनका उनका भी वहां पे क्या हो गया है, प्राकट्य हो गया। तो इस तरह से भगवान ने ये सारी इंद्रियों की, जैसे ये सारी इंद्रिय उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो भगवान की इच्छा से ये सारी इंद्रिय उत्पत्ति हो रही है। आगे कहते हैं, महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। तो जब अभी सुनने की है ना, कर्णेन्द्रिय, तो जब भगवान को सुनने की इच्छा हो रही है, तो भगवान के कर्णेन्द्रिय उत्पन्न हो रहे हैं। तो भगवान के ये जो सारे अभी इंद्रियों के बारे में एक एक करके प्राकट्य हो रहा है, तो ये जो इंद्रियों के बारे में यहाँ पे जो चर्चा हो रही है भगवान की, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को यही बताना चाह रहे हैं कि हमें जो ये हमारे इंद्रिय जो भी हमें प्राप्त हुए हैं, तो ये क्या है, ये सारे भगवान से मिले हुए अंश रूप में है। तो हम क्या करते हैं,
हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए इनका उपभोग करते हैं। तो जो हमारा है ही नहीं, ये इंद्रिया हमारी है ही नहीं, तो जब जिसकी है उसको हम उससे तुष्ट करेंगे। जैसे हम आंखों से भगवान के विग्रहों का दर्शन करेंगे, हम आंखों से वैष्णवों का दर्शन करेंगे, है ना, हम भगवान के धामों में दर्शन करेंगे। तो ये क्या है, ये आंखें हमने भगवान के इंद्रिय तृप्ति में ही लगा दी, है ना। हमारा कोई इसमें, हमारा कुछ पर्सनल इसमें इंद्रिय तृप्ति रहा ही नहीं है। फिर क्या है, हमारी नासिका, हमारे नासिका को हमने क्या किया है, तो भगवान के चरणों में जो फूल है, भगवान का जो निर्माल्य है, उनको सूंघने में हमारे नासिका को लगाया। हमारे कान जो है उनको हमने क्या किया, भगवान के कथाओं को श्रवण करने में हमने लगा दिया। तो जब ये सारी हमारी इंद्रियां जब हम भगवान के ही सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, भगवान इससे तुष्ट होंगे, भगवान इससे प्रसन्न होंगे, क्योंकि इन सभी के कंट्रोलर नियामक भगवान ही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इन इंद्रियों से हम हमारे लिए जी रहे हैं, हम हमारे लिए उन इंद्रियों को सेवा में लगा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ये अध्याय के माध्यम से ना ये बहुत सुंदरता से यहाँ पे बताते हैं। और एक यहाँ पे पॉइंट वो बता रहे हैं, शरीर के रोमों तथा पृथ्वी के शरीर पर उगी वनस्पति में निकट का संबंध है। जैसा कि तृतीय अध्याय में कहा गया है, वनस्पतियां त्वचा के लिए पोषण है और भोजन के रूप में तथा औषधि के रूप में भी। तो जो हमारे भगवान के शरीर के, है ना, भगवान के शरीर के जो रोम है, जैसे हमारे शरीर पे जो रोम है, हमारे यहाँ पे जो छोटे छोटे बाल लव कहेंगे उसमें ना, वो लव उगते हैं, तो उनके लिए क्या कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी पे जो भी जितने भी वनस्पति है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो वो उसकी तुलना उस तरह से की गई है कि भगवान के शरीर से रोमों से उत्पन्न है ना, भगवान के रोम छिद्र है और उनसे वो पेड़ पौधे उत्पन्न हुए हैं, तो वो हमारी शरीर से उसका घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो इसकी तुलना इस तरह से की गई है, तो ये वनस्पतियां, ये पेड़ पौधे क्या है, हमारे लिए है, हमारे शरीर को पोषण करेंगे, और इसलिए इनकी जो औषधियां बनती है वो क्या है, वो हमारे शरीर पे इसका क्या होता है, हमारे शरीर पे इनका प्रभाव होता है, है ना। हम जैसे नेचुरोपैथी होता है, आयुर्वेदिक होता है, तो ये वन औषधि है, तो ये भगवान के शरीर से, भगवान की त्वचा से निकले हुए अंश है, इनके पार्ट है, तो इसका हमारे शरीर पे जरूर प्रभाव हो रहा है। आगे तत्पश्चात इधर उधर चलना, है ना, गति को नियंत्रित करने की इच्छा से उनके पाव प्रकट हुए और पाव से उनके अधिष्ठाता देव श्री विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं श्री विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों में संलग्न है। तो देखिए अंत में बता रहे हैं कि जो भगवान की जब इच्छा हुई कि भगवान को अभी चलना है ना, यहाँ वहां उनको मूवमेंट करनी है, तो अभी उसके लिए पाँव की निर्मित हो रही है, पाँव निर्माण है, तो ये पाँव के अधिष्ठाता देव स्वयं श्री विष्णु है, स्वयं भगवान है। तो हम हमेशा भगवान के चरण कमलों को, है ना, भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हैं, भगवान के चरण कमलों की प्रार्थना करते हैं, तो ये भगवान के चरण कमल है, जो हर जो भी जितने संत है, जितने महात्मा है, वो अपने हृदयों में भगवान के चरण कमलों को स्थापित करे हुए हैं। तो ये जो भगवान के चरण कमल है, ये जो भागवतम का पहला और दूसरा स्कंद है, उनको भगवान के चरण भी कहा जाता है, जैसे हमने पहले अध्याय में हमने सुना था। तो ये भगवान के चरण कमल है, तो हमें जो हमारे पाँव है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे जो पाँव है उससे हमें भगवत धाम जाने के लिए, जहाँ पे धामवास है ना, अयोध्या है, वृंदावन है, मथुरा है, तो हमारे इन पाँव को उन धाम तक हमें लेके जाना है। इन पाँव का उपयोग क्या है, जैसे महाराज अम्बरीश थे, वो क्या करते थे,
अपने सारे इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया था। तो हमें भी इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी यही बता रहे हैं कि ये जो इंद्रिया है, ये इंद्रिया भगवान से प्राप्त हुई है और इसलिए ये भगवान की ही सेवा में जब लगेगी तब हम सुखी हो पाएंगे। यहाँ पे ना प्रभुपाद जी और सुखदेव गोस्वामी एक बहुत ही सुंदर एक तात्पर्य बताते हैं और ये तात्पर्य इतना समर्पक है और महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा इसको हम पढ़ेंगे भी और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। वैकुंठ के स्वामी के साथ अपने संबंध को भुला देने के कारण बद्ध जीव ऐसे इस सीधी सी बात से अनभिन्न रहकर इस भौतिक जगत में स्थायी जीवन बिताने की योजना बनाने का प्रयास करते हैं। हम भूल चुके हैं कि हम भगवान के दास हैं, है ना, हम भगवान के अंश हैं, इस बात को हम क्या करे हैं, हमने भुला दिया है और फिर हम क्या सोच रहे हैं कि हमें इसी जीवन में हमें यहीं पे हमें परमानेंट रहना है। हम समझ रहे हैं कि यही मेरा परमानेंट धाम है, यही मेरा परमानेंट घर है। बहिरंगी शक्ति से मोहित होने के कारण वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक तथा धार्मिक विकास कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि उनका उद्देश्य अपने घर श्री भगवान के धाम वापस जाना है। माया के प्रभाव के कारण यह विस्मृति इतनी प्रबल होती है कि बद्ध जीव श्री भगवान के धाम वापस जाना ही नहीं चाहते। तो माया इतनी प्रबल है कि हम जाना ही नहीं चाहते। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारी इच्छा ही नहीं रहती कि हमें भगवत धाम जाना है। हम यहाँ पे इतने क्या हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं। तो एक लेक्चर सुना था, तो उस लेक्चर में बता रहे थे कि जैसे स्कूल में जब हम बच्चों की फीस भरते हैं तो बच्चों के स्कूल में फीस भरने का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है। तो यदि वो पीरियड निकल जाए तो क्या होता है, हमें लेट फीस लगती है, है ना, एक एक पर डे का कहीं पे 30 रुपीज, कहीं 50 रुपीज पर डे उसका चार्ज होता है। क्योंकि आप क्या हो गए हैं, आप ना भूल गए हैं, आपने आपका ध्यान नहीं रहा, आप अपने कामों में इतने व्यस्त रहे कि आपको वो फीस भरने का ध्यान नहीं रहा, आपका ध्यान भटक गया। तो ध्यान भटकने से क्या हो गया, आपको लेट फीस लग रही है ना, तो लेट फीस है, आपका नुकसान हो रहा है वहां पे, आपको लेट फीस भरनी पड़ रही है। तो वैसे ही ना भक्ति में भी जब हम भक्ति कर रहे हैं और क्या होता है, हमारा ध्यान भटक जाए, तो ध्यान भटक जाए तो क्या होगा, उसका जुर्माना हमें भी भरना पड़ेगा, वो लेट फीस हमें भी भरनी पड़ेगी। जैसे कोई बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइवर है ना, ड्राइविंग कर रहा है बहुत अच्छे से, गाड़ी वगैरह सब कुछ चला रहा है, उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लेकिन क्या हो गया, रास्ते में चलते चलते कोई होर्डिंग्स दिखे, वो होर्डिंग में देख रहा है, कोई सुंदर नारी दिखी, सुंदर नारी में देख रहा है, अब कोई माता जी है कहीं कपड़ों की दुकान दिखी, वहां पे सारे कपड़े टंगे हुए हैं, वो देखे, तो उसमें ध्यान भटक गया। तो इससे क्या हो गया, गति कम हो गई, स्पीड कम हो गया, और क्या होना है, तो जहाँ पे जाना है वहां पे देर हो जाएगी, है ना, वहां पे उस समय पे जो समय तय है उस समय पे पहुंच नहीं पाएंगे। कभी कभी तो ऐसे भी हो जाए कि एक्सीडेंट ही हो जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा, सारी क्रियाएं रुक जाएगी, फिर से प्रयास करना पड़ेगा। तो वैसे ही जब हमारा भी भक्ति से ध्यान भटक जाएगा, भक्ति से ध्यान भटक जाएगा तो होगा क्या कि हमें फिर से इस 84 लाख की योनियों में घूमना पड़ेगा। यदि इस बार हमने भक्ति नहीं करी या इस बार हम चुके तो हमें फिर से ये जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें बार बार घूमना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं कि ये ना अंधक कूप है ना, एक कुआ है और उस कुएं क्या है, पूरा अंधकार भरा हुआ है, पूरा अंधकार भरा हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम डार्क है, एकदम डार्कनेस है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम हाथों को टटोलते टटोलते हम जा रहे हैं, हम घूम रहे हैं कि कहीं पे एक दरवाजा होगा और वहां से हम बाहर निकल जाएंगे। बड़े हम क्या है उसमें बेचैन है, हम वहां पे अतृप्त है, अशांत है, हमारी वहां पे प्रसन्नता नहीं, हमें बाहर निकलना है। और हम टटोलते टटोलते क्या कर रहे हैं, वो दरवाजे को खोज रहे हैं। और क्या होता है,
हम एकदम उस दरवाजे के पास आते हैं, है ना। अभी हम क्योंकि पूरा अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, और अभी हम टटोलते टटोलते उस दरवाजे के पास आ गए हैं, और उसी समय क्या हो गया, उसी समय हमें खुजली आ गई, है ना। महाराज कहते हैं कि उसी समय हमें खुजली आ गई, और हमने क्या किया, हमने दोनों हाथों से खुजलाना शुरू कर दिया, और खुजलाते खुजलाते क्या हो गया, हम चले गए आगे। तो जो दरवाजा था जहां से बाहर निकलना था, वो दरवाजा हमने क्या कर गए, चूक गए, हम भूल गए। तो ये खुजली क्या है, तो खुजली क्या है, ये हमारी इंद्रिय तृप्ति है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं, और इन वासनाओं के वजह से जो भी एग्जिट का मार्ग था, उस एग्जिट के मार्ग को क्या कर दिया, वेस्ट है। तो यहाँ पे महाराज भरत महाराज का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी। इस तरह से महाराज भरत जो थे, ये महाराज भरत पूरे भाव की अवस्था में आए हुए थे। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, अपना पूरा प्रशासन छोड़ दिया, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, प्रसन्नता के लिए, और जाके जंगल में तपस्या कर रहे हैं। और अभी तपस्या करते करते इतनी महान तपस्या, इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं कि अब वो भाव के लेवल तक आ गए। और भाव के लेवल तक आने के बाद एक दिन क्या हो रहा है, जब वो एक नदी के किनारे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, ध्यान में है, तो उस समय क्या हुआ, एक वहां पे गर्भवती जो हिरनी थी, वो इसमें पानी पीने आ गई, और उसी समय वहां पे एक शेर भी आ गया। वो शेर जैसे दहाड़ा, वो जो हिरनी थी वो हिरनी भयभीत हो गई, और भयभीत होके क्या हो गया, उसका गर्भपात हो गया। और उसने जब उस नदी से छलांग लगाई, वो छलांग लगाते ही जो वो नवजात जो शिशु था, वो जो हिरन का बच्चा था, वो पानी में गिर गया, और वैसे ही वो हिरने ने अपने प्राण त्याग दिए। तो इस दृश्य को अब भरत महाराज देख रहे हैं। तो इस दृश्य को जब देखते हैं तो उनके मन में करुणा, वैष्णव है, करुणा जागृत हो जाती है, और वो क्या करते हैं, उस हिरन के बच्चे को वो लेते हैं, और उसको उसके प्राणों की रक्षा भी करते हैं। और अभी वो इतना सा छोटा सा नन्ना सा हिरन है, तो क्या कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। अभी उसकी देखभाल करते करते भरत महाराज उसमें इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए कि अपने ध्यान से ही भटक गए। उनका जो साधना थी, उनका जो परम लक्ष्य था, वो परम लक्ष्य को ही भूल गए, है ना, अपने ध्यान से वो भटक गए। तो जब भरत महाराज का अंतिम समय आता है, तो देखिए भाव लेवल पे जो भरत महाराज है, वो अंतिम समय में क्या कह रहे हैं, उस हिरण के वियोग में वो कहते हैं कि हे हिरण, कि मेरी जो तपस्या है ना, मैंने जो इतनी तपस्या करी है, वो तपस्या ना इस पृथ्वी की तपस्या के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो ये पृथ्वी ने क्या तपस्या की है, तो ये पृथ्वी ने इतनी तपस्या की है कि हे हिरण, तुम्हारे कोमल कोमल चरण कमल इसकी भूमि पे अवतरित हो रहे हैं, इसके चरण, तुम्हारे चरण कमल इस पृथ्वी को अंकित कर रहे हैं। देखिए कहाँ पे वो भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे, और अभी यहाँ पे वो हिरण के कोमल चरणों के यहाँ पे आ गए। तो क्या हो गया, पूरा ध्यान भटक गया, अपनी भक्ति से भटक गए, और क्या हो गया, फिर से रिवर्स, है ना। फिर उनको फिर से जन्म लेना पड़ा हिरण की योनि में, उसके बाद फिर वो जड़ भरत के रूप में आ गए। तो क्या होता है, ध्यान से भटक गए, तो उसकी लेट सी, है ना, यहाँ पे हमारा लेट सी का टॉपिक चल रहा है। तो वो लेट सी कितनी भयानक हो सकती है ना, महाभयानक हो सकती है, कि हमने अपना ध्यान भटका दिया, तो हमें उसका भुगतान करना ही होगा। तो इसके लिए क्या उपाय है, कि हमारा ध्यान नहीं भटके, हमारा ध्यान सदैव भगवान के चरणों में लगा रहे, हमें भगवान की कभी विस्मृति ही ना हो। स्मर्तव्यम सततम सतत स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जाति से, कि सतत सतत भगवान का स्मरण होना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सर्व विधि निषेधाशु एतरव किंकरः, कि कभी सर्व विधि निषेधाशु, कि सारे विधि नियमों का पालन करते करते क्या करना है, कि
किंकर, यहाँ पे किंकर बताया गया है, हमें भगवान की सेवा करनी है। तो यहाँ पे यदि हमें अपने ध्यान से नहीं भटकना है तो हमें क्या करना है, गुरु का आश्रय लेना होगा, क्योंकि गुरु हमें सेवा प्रदान करेंगे, हमारी मन मर्जी से सेवा नहीं होगी। तो गुरु का आश्रय लेना होगा और गुरु के बताए गए मार्गों पे हमें चलना होगा। जब गुरु ने बताई गई सेवा को सेवा के अनुसार हम आचरण करेंगे तो क्या होगा, गुरु वो हमें शक्ति प्रदान करेंगे, गुरु वो हमें शक्ति देंगे कि हमारा ध्यान भटके नहीं, हम कहीं भी विचलित ना हो, हमारे हमें वो लेट फीस भरनी ना पड़े। तो इसके लिए क्या करेंगे, गुरु प्रयास करेंगे। तो गुरु जो उनकी कृपा है ना, गुरु की कृपा कैसे है, वर्षा के जल से, जल की जैसे सार्वजनिक है, वो सभी पे बरसती है, लेकिन वो शिष्य की कैटेगरी तीन रूप में होती है। अभी वर्षा का जल देखिए, वर्षा का जल पत्थरों पे भी गिरता है, भूमि पे गिरता है, समंदर में भी गिरता है। तो जब ये वर्षा का जल पत्थर पे गिरता है तो क्या है, बह जाता है, उसका कोई निरर्थक है, कोई व्यर्थ चला गया वो, क्योंकि पत्थर का, पत्थर से कुछ फायदा होने ही वाला नहीं है, उससे कुछ फल फूल उगने वाले है नहीं, तो वो निरर्थक चला गया। जब वो वर्षा का जल भूमि पे गिरता है तो भूमि पे गिरने से क्या होगा, भूमि क्या हो जाती है, भूमि उपजाऊ हो जाती है, अंकुरित हो जाती है, धन धान्य देती है। तो ये जो ही वर्षा का जल है वो जब समंदर में सीप में गिरता है, तो सीप में जब गिरता है तो क्या बन जाता है, तो उसका मोती बन जाता है। तो ऐसे ही तीन प्रकार के भक्त होते हैं, कि जो पत्थर के समान भक्त है तो गुरु की कृपा बरसे भी तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको गुरु ने सेवा दी है तो वो क्या करेंगे, अपने मनमर्जी से सेवा करेंगे। विश्वास करना है, अरे उन्होंने तो कहा है, उन्होंने तो सबके लिए कहा है, है ना, थोड़े ना मेरे लिए अकेले के लिए कहा है, वो तो कॉमनली सबके लिए बोला था, मेरे लिए कुछ था नहीं, है ना, पर्टिकुलर मुझे इंडिकेट करके नहीं बोला था। तो क्या है, पत्थर, गुरु ने तो कृपा कर दी लेकिन वो उन्होंने क्या करा, उसका कोई उन्होंने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, उसने ग्रहण नहीं किया, तो वो पत्थर के समान है। दूसरे कैटेगरी के भक्त है जो गुरु की सेवा तो मिली, कृपा तो मिली, तो उन्होंने उसको यूटिलाइज किया, उसने गुरु की आज्ञा को माना है और थोड़ा बहुत अपने मन मर्जी से किया है, थोड़ा सा गुरु को प्रसन्नता के लिए किया है, तो थोड़ा बहुत उन्होंने गुरु को प्रसन्न किया है। और तीसरी कैटेगरी जिसमें वर्षा का जल सीप के अंदर चला गया और मोती बन गया, तो गुरु की आज्ञा मिलते ही या गुरु के मन में क्या है, गुरु क्या चाहते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को पूरा व्यतीत करना। जैसे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत उपाध के जो गुरुदेव थे, उनकी आज्ञा के अनुसार प्रभुपाद ने अपने जीवन को क्या किया, समर्पित कर दिया। उनके गुरु की इच्छा थी कि तुम पाश्चात्य देश में जाओ और वहां जाके प्रचार करो, तो प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश में जाके प्रचार किया। प्रभुपाद के पास जब भी धन आया तो उनके गुरु के वाणी के अनुसार उन्होंने उस धन से क्या किए, पुस्तकों की छपाई की। तो ये जो सारा है ना, गुरु की आज्ञा के अनुसार जो भी किया गया कार्य है, सेवा है, उससे क्या होगा, हमारे जीवन में प्रगति होगी, हमारे जीवन का उद्धार होगा, क्योंकि गुरु के पास क्या है, वो गुरु के पास शक्ति है। गुरु जब हमें सेवा देते हैं तो सिर्फ हमें आदेश नहीं देते हैं, तो गुरु उसके साथ वो हमें शक्ति भी देते हैं, वो हमारे ऊपर है। यदि हमने उस सेवा को बहुत ही लगन से, बहुत ही विश्वास से किया तो क्या होता है, वो शक्ति हमें स्थानांतरित होती है, हमारे पास ट्रांसफर होती है। तो अभी तो ये सारे इंद्रियों का है ना, ये तो इंद्रियों का सुझा ये था कि इंद्रियों में हम भटक जाएंगे, इंद्रियों की कोई है ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इसके वजह से हम भटक जाएंगे। लेकिन एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण भी एक और गुण है जिसके वजह से भी हम ध्यान से भटक जाते हैं या गुरु की कृपा से ही हट जाते हैं, और वो सबसे बड़ा एक गुण है, गुण भी नहीं कह सकते, दुर्गुण है, और वो है कपट। जब भक्तों में भी या जो नॉन डिवोटीज है, अभक्तों में भी
जब कपट आता है, तो कपट आने से क्या होता है, हम गुरु की कृपा से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। तो ये कपट क्या होता है, हम गुरु पे अविश्वास करने लगते हैं, हम शास्त्रों पे अविश्वास करने लगते हैं, हम गुरु ने जो भी सिद्धांत बताए हैं उस सिद्धांतों को क्या करते हैं, अपने मनमाने ढंग से जीना शुरू कर देते हैं। कहीं कहीं तो ऐसे भी होता है कि कोई कोई भक्त, एक अभी रिसेंटली न्यूज सुनी थी, तो उन्होंने गुरु महाराज का, अपने गुरु महाराज नहीं दूसरे गुरु महाराज थे, तो उनके गुरु महाराज का अकाउंट ही हैक कर लिया था। तो अकाउंट हैक करने वाला जो भी भक्त होगा वो गुरु महाराज के कितने निकट होगा, कितने करीबी होगा, कि महाराज उसको सब कुछ बताते होंगे, है ना, और उसने महाराज का अकाउंट हैक कर लिया था। तो ये जो कपट है ना, ये कपट से क्या होगा, सेवा भाव से तो जाएंगे ही जाएंगे, और क्या होगा, फिर से ये जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसते जाएंगे, क्योंकि गुरु के चरणों में किया गया अपराध कभी भी क्षमा नहीं होता, कभी भी उसको गति नहीं मिलती। तो हम यही पे अब विराम करेंगे। मेरे वाणी से जो भी कोई त्रुटियां हुई है, जो भी गलतियां हुई है, उसके लिए क्षमस्व, और कुछ अभी आप ऐड कर रहे हैं तो प्लीज आपका सबका स्वागत है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से आज का चैप्टर समराइज किया और सारे पॉइंट्स पे, तो इट वाज वेरी नाइसली प्रेजेंटेड। और वो जो अंधेरे में हम लोग जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो एक छोटी सी खुजली कैसे हमको जो है रास्ते से भटका सकती है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस रिगार्ड। ये खुजली क्या है, हमारा अहंकार, हमारी काम वासनाएं, तो ये सब जो चीज़ें हैं दे आर वेरी डेंजरस। और ये जो है हमारा जो बाहर निकलने का रास्ता है भौतिक जगत से, जिसके लिए हम सारा जीवन हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इतने सालों से जप कर रहे हैं, तो सारा उद्देश्य ही डिफीट हो जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और हम लोग को ऐसे बोलते ना, ऐसे वेट से हम लोगों को प्रभावित ना होकर हमको अपना फोकस बना के रखेंगे। ऐसा नहीं कि ये वेग नहीं आएंगे, बट वी हैव टू कंट्रोल इट। और जैसे भगवान भगवद्गीता में बोलते ना, कछुए का उदाहरण, कैसे तुरंत खींच लेता है। एक सच्चा प्रैक्टिसिंग डिवोटी वही होता है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई दुर्गुण नहीं होता, दुर्गुण होता है, लेकिन उसको समझता है और उसको तुरंत जो है उसको खींच लेता है, जब उसको लगता है कि ये मुझे नहीं यूज करना चाहिए, तो इमिडिएटली ही ना कछुए की तरह उसको कर लेता। तो वेरी नाइसली यू कनेक्टेड दैट पॉइंट, जैसे गुरु का भी कनेक्ट किया माता जी, कैसे गुरु का सेवा, गुरु पे श्रद्धा करने वाले कैसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो या वी हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड अपने गुरु की सेवा में, सारे जो वैष्णव हैं उनकी सेवा में हम लोग को रहना चाहिए। एंड दिस वॉज रियली सरप्राइजिंग कि किसी ने अपने ही गुरु का, या किसी भी मतलब भक्ति होगा, तो उनका अकाउंट हैक कर लिया, क्या ज़्यादा से ज़्यादा उसको कुछ लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन उसका जो स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसको वापस उस ट्रैक पे आने के लिए उसको और कितने लाखों जन्म लग जाएंगे पता नहीं। तो ये जो खुजली है इसको दबा के रखा है आपने को, तो थैंक यू माता फॉर शेयरिंग ऑल दिस थिंग। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू गुरु, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, और ऑल ग्लोरीज टू यू प्रभु जी, क्योंकि आपके वजह से ही हमें ये सेवा करने का भी अवसर मिल रहा है और हम पढ़ भी पा रहे हैं। तो ऑल ग्लोरीज टू यू एंड माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत। और आपके माध्यम से हम लोग को अच्छा अच्छा इतना कथा सुनने मिलता है, तो थैंक यू माता जी, सब रूपा जी की कृपा है। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई इटली कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, शंका है, तो पूछ सकते हैं या अनुमोदन करना चाहते हैं क्या आज के, अच्छा लगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन माता जी. बहुत अच्छा था माता जी, आपने बहुत विस्तार से बताया. माता जी मेरा एक डाउट था, मेरे को एक समझा नहीं माता जी. टेक्स्ट 9 में वहाँ पे हाँ, बट द सुप्रीम बीइंग हु सीज एवरी वन ऑफ देम एज अ शेल्टर ऑफ द शेल्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल एंड देयरफॉर इज द सुप्रीम शेल्टर. हाँ मेरे को समझा नहीं, तो सुप्रीम बीइंग, हाँ तो समझा नहीं मेरे को. नाइन्थ वन बोल रहे हैं ना प्रभु जी आप, दसवें चैप्टर का? हाँ हाँ नाइन्थ वन. आप फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्रभु जी, आपने क्या पूछा माता जी? वो लाइन है ट्रांसलेशन में, बट द सुप्रीम बीइंग हु सीज एवरी वन ऑफ देम as the shelter of the shelter is independent of all and therefore is the supreme shelter. ऐसा वो समझा नहीं माता जी. हाँ तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हम क्या हैं, हम भगवान के अंश हैं, है ना, हम सब भगवान के अंश हैं, हम जीवात्मा हैं, लेकिन हम सभी जीवों में परमात्मा रूप में भगवान अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व है ना. भगवान हम सब में परमात्मा रूप में निवास कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या कर दिया गया है, हमें स्वतंत्रता दी गई है ना, हमें छूट दी गई है कि हम अपने इंद्रियों को भगवान में लगाएं या अपने आप में लगाएं, है ना. जैसे वो एक पेड़ पे दो पंछी बैठे हुए हैं और एक पंछी परमात्मा है, एक आत्मा है, और वो परमात्मा है वो आत्मा की सारी गतिविधियां देख रहा है. वो जो आत्मा पंछी है वो क्या कर रहा है, फल को खा रहा है. तो जो परमात्मा रूप में भगवान है वो सारी गतिविधियां उसकी देख रहे हैं. तो भगवान सभी जीवों में, भगवान सभी जीवों में है, परमात्मा रूप में भगवान का अस्तित्व है ना? सभी जीवों में स्वतंत्र रूप से है, सभी जीवों में स्थिति से लेके हाथी तक सभी जीवों में भगवान परमात्मा रूप में स्थायी है, और इस आत्मा को वो स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी इच्छा में इंद्रिय तृप्ति में लगे या वो भगवान की तृप्तियों में लगे. लेकिन कंट्रोलर, लेकिन कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर तो भगवान ही है, दृष्टि के नियामक तो भगवान ही है, क्योंकि हमारी सांसों की गति भी उनके ही हाथों में है. हमारे सारे कार्यों की, हमारा सोचना, हमारी स्मृति, हमारी विस्मृति, ये सभी के कंट्रोलर भगवान ही है. तो हमें जो ये स्वतंत्र मिला है ना, वो एकदम अंशिक है, वो बहुत ही माइन्यूट सा मिला है स्वतंत्र, लेकिन हमने उसको इतना एनलार्ज, इतना एलैबोरेट करके रखा है, मेरा 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 कर, है ना. तो ये बहुत ही माइन्यूट सा हमें स्वतंत्र मिला है. तो इसके बारे में यहाँ पे बताने की प्रयास कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी. हरे कृष्णा प्रभु जी, होप सो कि मैंने कुछ आपके प्रश्न को थोड़ा सा सोल्यूशन दे दिया हो. यस माता जी, यस माता जी. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम. माता जी मेरा एक ये प्रश्न था कि जो अपने अंत में हमें उदाहरण दिया कि जैसे एक शिष्य ने अपने या किसी भी गुरु महाराज का जो अकाउंट हैक कर दिया था, और ये देख के, ये सुन के भी हम सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा भी मतलब हो सकता है, कपट के माध्यम से या कपट के वजह से ऐसा भी हो सकता है. तो माता जी प्रश्न ये था कि जैसे हम देखते हैं कि कई लोग भले ही वो इस्कॉन से ना जुड़े हों या किसी, लेकिन फिर भी समाज सेवा करते हैं या जो भी उनके अंदर भाव होते हैं. जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे देश में कितने लोग एटलीस्ट और कुछ नहीं तो कम से कम गॉड कॉन्शियस तो होते ही है. तो इस प्रकार से वे किसी भी आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हो या ना हो, उनके अंदर प्राकृतिक रूप से है समर्पण भावना या इस प्रकार के मतलब दान वगैरह करना, तो ये भाव है. तो यहाँ पर तो हम मतलब सबसे जो सर्वश्रेष्ठ हम खुद जानते हैं कि और कोई नहीं,
किसी और संस्था से, हम किसी अन्य संस्था से नहीं जुड़े हुए, हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ, जो कृष्ण भगवान की जो मतलब वो हम खुद जानते हैं कि वही भगवान है, और उस संस्था से जुड़े होने के बावजूद यहाँ पे एक प्रकार से ना सिर्फ की कैरेक्टर बिल्डिंग होती है हमारी, हमारी हमारी जो चेतना की सफाई होती है, जीवात्मा की मतलब अंतिम गति जो होती है उसे वो सिखाया जाता है। तो फिर यहाँ पर कैसे ये केस हम सुनते हैं, क्योंकि बाकी संस्थाओं में तो ये सिखाते हैं कि कैसे चेतना को शुद्ध रखना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, यहाँ पर तो समस्त पूरी पूरी चेतना की तरह से पूरी एक, जैसे प्रभु जी अमुक लीला प्रभु जी कहते हैं कि हम जो ब्रेन को वॉश करते हैं, पूरी सफाई करते हैं उसकी, तो यहाँ पर तो वो हो रहा है। तो फिर ऐसा केस हम यहाँ पर कैसे देख सकते हैं? और भगवान गीता में कहते हैं कि जो ठग होते हैं, अगर उस किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं ठग लूंगा, तो भगवान ये कहते हैं कि किसी को भी ठगने के लिए आई एम द गैम्बल, मैं खुद वो ठगी हूँ। तो हम किसी को भी ठग सकते हैं, किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं, किसी के साथ भी ठगी कर सकते हैं, जीवात्मा के साथ कर सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ तो ठगी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं खुद ही वो ठगी हूँ, तो मुझे भगवान को कोई कैसे ठग सकता है। तो फिर ये कैसा हम केस देखते हैं माता जी, कि ये मतलब ये जब कैरेक्टर बिल्डिंग से भी ऊपर की चीज होती है इस्कॉन में, वो चेतना की सफाई होती है, फिर हम ये कैसे देख सकते हैं माता जी, प्लीज इस पर थोड़ी दृष्टि डालें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम माता जी। क्या है ना कि यदि हम अपने भक्ति में ना, हमारा भक्ति का बेस एकदम पावरफुल नहीं हो, तो पावरफुल ना होने के कारण तो क्या हो जाता है, डगमगा जाता है भक्त। और जो भक्त ऐसे कपट है जिनके मन में, तो इसका मतलब वो भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, है ना, वो भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, वो अपने आप को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उनको वो भगवत धाम जाने का या उनको वो कुछ करना उनको है ही नहीं, उनको वो अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। कितने मीन्स कभी कभी तो ऐसे होता है ना माता जी, कि अनजाने में भी हो जाता है, अनजाने में बहुत सारी चीजें हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है, इसके वजह से ना हमें ये भक्ति का जितना सुनहरा अवसर मिला है ना, उसके हम खुद ही बाधक बन जाते हैं। हम अपनी गाड़ी को फिर से क्या करते हैं, जैसे कोई तो बड़ा सा जलाशय होगा, है ना, नदी का बड़ा प्रवाह है, वो अभी बड़ा सा प्रवाह अभी वो समंदर में जा रहा है, ना, नदी जा रही है, लेकिन क्या होता है, बीच में ही उसको हम उसको विभाजित कर देते हैं, उसमें गड्ढे कर देते हैं, उसमें क्या क्या थोड़ा थोड़ा सा उसको डाइवर्ट कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो नदी का प्रवाह डाइवर्ट हो गया, है ना, डाइवर्ट हो गया, उसमें बड़ा कोई बीच में सरोवर बन गया, बीच में जलाशय बन गया, तो उतना पानी क्या हो गया, वो जलाशय का पानी अभी उतना वो रुका रहेगा वहां पे, है ना, उसमें उतना वो, फिर वो जब बारिश आएगी तब वो ओवरफ्लो हो जाएगा, तब वो चला जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, हमने डिले कर दिया है। तो ये भक्त है कि ये खुद ही क्या करते हैं, डिले करते हैं। तो इसलिए हमें जो हमारी परंपरा है, हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, उस गुरु शिष्य परंपरा को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने जो हमें सिखलाया है, उन वैष्णवों का संग, ये बहुत ही जरूरी है कि वैष्णवों का संग करके उनके जो बताए गए मार्गों पे चलना, तो इससे क्या होंगे, हम भ्रमित भी हो जाएंगे ना, तो भ्रमित भी हो जाएंगे तो फिर से कोई तो हमें समझाने वाला होगा, कोई तो हमें बताने वाला होगा। तो हमें अपने भक्ति में दृढ़ होना चाहिए। जैसे जैसे हम दीक्षा लेते हैं, हम थोड़ा सा ज्यादा समय बिताते हैं, तो हमारी सेवा में दृढ़ होना पड़ेगा। कौन ऐसे, मैंने एक सुना था, महाराज बता रहे थे कि जो सेवा में ना भगवान गुरु की सेवा में ऐसा होता है, एकदम तत्पर भी होता है, बड़ा निष्ठा भी होती है उसकी, और गुरु पे पूरा विश्वास होता है, तो ऐसा जो भक्त है ना वो पूरी गुरु की कृपा पा जाता है। बस गुरु की कृपा से ही वो भगवत धाम पार कर लेता है, है ना, उसको और कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने गुरु को ही ना अपना भगवान माना है, गुरु को ही पूरा समर्पित किया है। और गुरु कौन है, गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान के साक्षात रूप है, तो उसने वो कृपा पहले से ही प्राप्त कर ली है। तो ये जो ऐसे जो भक्त है, अभी जैसे मंदिर में भी, टेम्पल में भी हम लोग किचन में सेवा करते हैं, है ना, राधा रानी के किचन में सेवा करते हैं, तो दीक्षित सारी माताएं होती है, लेकिन कितनी भी माताएं होती है ऐसे कि जो सेवा नहीं करना चाहती है, है ना, वो कुछ कुछ बहाने भी बनाती है कि आज ये करना है, आज वो करना है। तो जो माता है सेवा करने वाली है ना, उनको कभी बताना नहीं पड़ता कि आना है आपको, है ना, वो बिना
मैसेज किए हुए भी आ जाते हैं, लेकिन जो माताएं जिनको नहीं करना है तो क्या है, आपको सेवा से जी चुरा रहे हैं, है ना। आपके मन में कुछ अलग चल रहा है, आप दिखा रहे हो मुझे सेवा करनी है, लेकिन मेरा मन ये है, मेरा ये इतना काम है, मेरा उतना काम है, मैं यहाँ बिजी हो गई, मैं वहां बिजी। तो ये है ना, ये होता है माता जी, ये थोड़ा सा अंश रूप में रहता भी है। ये हमें खुद को अपना आत्म परीक्षण करना पड़ेगा, हमें खुद को देखना पड़ेगा कि मैं भक्ति में आने के बाद मेरी वही आदतें रह चुकी है, मैं उसी आदतों को बार बार दोहरा रही हूँ क्या। तो इससे हम अपने आप को भी हमारा परीक्षण कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया और सारे मतलब एग्जांपल भी देखे कि कैसे ये, जैसे ये हम देखते हैं, हम रियल में भी देखते हैं कि ये होता है। और इनफैक्ट कल भी मैं भी गई थी टेंपल, तो प्रभु जी ने तो एक माता जी को कहा कि ये सारे जो खीरे हैं इनको छीर के काटो। तो कभी कभी माता जी ऐसा भी हो सकता है ना कि जेन्युइनली भी कभी मतलब हम इंसान है, कभी कभी तबीयत ठीक नहीं होती, तो उन माता जी ने सीधी तरह से प्रभु जी को बोला नहीं नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर वो बाद में बाकी सारी माताओं के साथ बैठी थी करने। तो कभी कभी तो जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, लेकिन ये जो मन में हम ही जानते हैं और भगवान ही जानते हैं कि हमारी असली इच्छा है कि नहीं है भगवान को सर्व करने की। जब कोई जेन्युइन रीजन है वो समझा जा सकता है और वो भगवान भी समझते हैं, लेकिन लेकिन मैंने जब देखा कि फिर वो माता जी बैठ गई, तो बहुत ही हम अब देखिए वो कर रहे हैं, उद्धार तो उनका होगा ना, लेकिन पता नहीं क्यों हमें संतुष्टि होती है कि वो बैठी है करने के लिए। ये भी एक पता नहीं कैसे होता है, जब आप डिवोटीज के घेरे में रहते हो, उनके मतलब अपने आप को उनके घेरे में पहुंचा देते हो, तो ऑटोमेटिक आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है और आपकी चेतना ऐसी हो जाती है कि आप चाहो ना चाहो आप दूसरों के बारे में भी अच्छा ही सोचने लग जाते हो, अपनी खुद की ऑरा को क्लेंस करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी, ऑल ग्लोरी टू श्री प्रभुपाद। या हरे कृष्ण, बहुत अच्छा प्रश्न था जया, और इसमें माता जी ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। मैं खाली कुछ एक दो एंगल और इसमें ऐड करना चाह रहा था कि संस्था से मतलब ये नहीं, संस्था कोई भी हो सकती है, लेकिन उसमें जो व्यक्ति जुड़ा है वो कितना प्रामाणिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका किससे वो जुड़ा है। जैसे कुछ साल पहले तक लोग ये कहते थे अगर कोई इस्कॉन से जुड़ा है कोई ब्रह्मचारी, तो बोलते क्यों, तो बोलते एक पैसा मिलेगा, दूसरा अमेरिका जाने मिलेगा, और तीसरा एक गोरे से गोरी लड़की से शादी करने मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति जब इस उद्देश्य से जुड़ेगा तो वो भक्ति क्या करेगा मुझे बताओ, तो क्योंकि उसका उद्देश्य है कि मुझे ये तीन चीज चाहिए मुझे। तो जब भी कोई भक्त, या भक्त नहीं बोले हम लोग, व्यक्ति बोले अभी तक, हम लोग सब जो है अभी तक भक्त बने नहीं है, ये प्रैक्टिसिंग डिवोटी। तो हम लोग जब जुड़ते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम लोग जब चैंटिंग भी करते हैं तो हमको ये कहा जाता है तुम अपना गोल सामने रखो, तुम चैंटिंग क्यों कर रहे हो, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे गुरु की सेवा चाहिए, मुझे वैष्णव की सेवा चाहिए। जो जो व्यक्ति ये, अरे यार मुझे, मेरे पास ये पैसा नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो वो जब करता रहेगा तो उसका उद्देश्य कुछ और है। तो उद्देश्य क्या है, अपने को फोकस पूरा जो है पहले उसमें बना लेना चाहिए, और हर व्यक्ति का उद्देश्य जो इंडिविजुअली है उसका अलग अलग है। तो अब हम लोग ये शिक्षा के माध्यम से यहाँ पे ये हम लोग प्रपोज करते हैं कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ भक्ति के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई उसको ना समझे, वो अपने जो है वो इतना आइडियल जो है कि वो उसको नहीं मेरे को यही चाहिए, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और वैसे इसीलिए हम देखते हैं कि ये ऐसा जो इंसिडेंट हो गया था, बिकॉज इतना उनको मतलब तो जिन भी महाराज की वो सेवा कर रहा था वो कितना क्लोज होगा कि उसको सारा अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड, ओटीपी सब कुछ पता होगा, तो हाउ क्लोज इन, मतलब इतना इतना वाणी सेवा, वपू वाणी सेवा तो नहीं, वपू सेवा कर रहा था वो। एंड इतना करने के बाद उसका उद्देश्य क्या निकला कि मुझे अकाउंट हैक करना है। तो ये इंडिविजुअल एक एक मेंटेलिटी है, तो हम लोग मतलब उसमें ये नहीं कर सकते कि जनरलाइज नहीं कर सकते। तो एक है, सबको अपना अपना जो गोल है बहुत ही क्लियर रखना चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान का भक्ति चाहिए,
मुझे गुरु का सेवा चाहिए, मुझे वैष्णव का सेवा चाहिए, ये सब बोल रखे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब भी जप करने बैठे हैं हम लोग, तो खाली जप करने नहीं बैठे, अपना उसको कुछ वर्ड बोलते हैं अफर्मेशन। तो अफर्मेशन हम लोग पहले बोलते हैं, सब अलग अलग है। मतलब माधव प्रभु जी का जो है अफर्मेशन, दे आर वेरी वंडरफुल, सचिनंदन महाराज हैं, फिर महात्मा प्रभु जी हैं, दे ऑल टीच कि हमको जप कैसे करना है हम लोगों को। तो वो अफर्मेशन जब रख के हम लोग करते हैं तो हमारा तो शुद्धिकरण होता है। हम लोग समझते भी हैं कि मैं जप क्यों कर रहा हूँ, मैं भक्ति में क्यों आया हूँ, मैं इस कौन से क्यों जुड़ा हूँ। बहुत से लोग सिर्फ अपना नाम नाम के प्रचार के लिए कि अरे मेरा नाम होगा उसके लिए आते हैं, बट दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ भक्ति। भक्ति का पर्पज है कि हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना है। तो वो अगर क्लैरिटी हम लोग अपना माइंड में रखें, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, फिर वो भक्त को कोई नहीं रोक सकता। फिर वो तो ये एक इंटेंशन अपना माइंड में क्लियर होना चाहिए, और दूसरा जो भी करें हम लोग को उससे मतलब इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इसका इंटेंशन कुछ और है। तो लेट हिम मेक, वो अपने जो क्या बोलते हैं प्रकृति के गुण में, तमोगुण में या रजोगुण में है, तो ही उसको हम लोग चेंज नहीं करते। तो बस जो है वी कैन प्रे, प्लीज भगवान इनको सद्बुद्धि देना। लेकिन अपना जो है अपना रास्ता पूरा क्लियर रखना चाहिए, अपना इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, एंड वी शुड रन इन फुल स्पीड उस गोल की तरफ। और उसके लिए जो चाहिए हम लोग, जितना सेवा चाहिए, जैसे हमने कहा वो माता जी का तबीयत ठीक नहीं था फिर भी उसने सेवा की, तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे उससे कि देखो इसका तबीयत ठीक नहीं था फिर भी ये जो है सेवा कर रही। तो वो अपना जो है सेवा अपने को उस हिसाब से करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से इसको समझाया कि कैसे, क्योंकि हम सब जैसे प्रभुपाद कहते हैं हम सब इम्परफेक्ट सेंसेस वाले हैं, हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं है, तो ये प्रकृति के जो गुण हैं पर काम करते हैं, तो इस हिसाब से फिर और हम किसी को मतलब किसी को जज नहीं कर सकते भी कि किसे उनके मन में क्या उस टाइम रहा होगा। लेकिन जो भी है हम जिस भी मतलब हमारे अंदर जितने भी कलमश भी होंगे फिर भी अगर हम जुड़े रहें संस्था से, हम जुड़े रहें उस चीज से, तो आज नहीं तो कल जो भी हमारे अंदर त्रुटियां या कलमश भी रहे होंगे, इच्छाएं हैं और या जो भी है, भगवान उसकी सफाई खुद ही कर देंगे। तो थैंक यू सो मच मोदी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। या हरे कृष्णा, और किसी का कोई पॉइंट कमेंट नहीं है? माता, यू वांट टू ऐड समथिंग? हां, एक छोटा सा जैसे अभी ये अलग अलग संस्थाओं के बारे में माता जी ने कहा था और आपने भी बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया, एक छोटे से बात याद आ गई तो थोड़ा सा शेयर करूंगी। जैसे अलग अलग संस्थाएं हमने, जैसे स्वामी नारायण के मंदिर भी जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है नोएडा में, तो ये जो स्वामी नारायण है ये भी तो बहुत बड़े भक्त है ना, बहुत बड़े भक्त थे ये भगवान के। लेकिन क्या होता है उनकी जो टीचिंग्स हो गई ना, उनकी टीचिंग्स को लोगों ने अलग तरीके से ले लिया, तो वो भी फिर प्याज लहसुन नहीं खाते, वैष्णव सदाचार पालन करते हैं लेकिन उनकी टीचिंग्स थोड़ी अलग है। उनका फिर वो क्या होता है, वो भगवत धाम जाने का मार्ग ही चेंज हो जाता है उनका, तो वो भक्ति तक नहीं पहुंच गया। तो स्वामी नारायण जो थे उनका तो है ना, उनको तो इतने परम भक्त थे, उनके तो सारी लीलाएं कथाएं, लेकिन उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उनकी टीचिंग्स में क्या कर दिया, उनके टीचिंग्स को एज इट इज फॉलो नहीं किया, उसमें गड़बड़ी हो गई। तो वहाँ पे क्या होता है फिर वो परंपरा क्या हो जाती है, वो परंपरा थोड़ा सा उसमें से वो थोड़ा सा वो भक्ति तक नहीं जा पाते। लेकिन हमारी जो गौड़ीय मध्व गौड़ीय संप्रदाय की जो परंपरा है उसमें बहुत कट्टरता से पालन किया जाता है ना, बहुत कट्टरता से। तो चूकते तो हम ही हैं, हमें उसको ठीक से गुरु शिष्य परंपरा को हम फॉलो नहीं कर पाते, हमारी परंपरा में यहाँ पे कोई दोष नहीं, हमारे गुरुओं ने वो परंपरा बहुत अच्छे से उसको पालन किया है। तो ये हमारे ना मेरे जैसे लोगों का ही दोष होता है जो हमारे स्वार्थ की वजह से हम इसमें गड़बड़ी कर देते हैं माता जी। हरे कृष्णा, बस यही पॉइंट ऐड करना चाहती थी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया माता जी। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट मतलब एक ही बात इसमें सिर्फ ऐड करना चाहूंगी जो मैंने सुना था। जैसे आपने अभी कहा कि हमारी जो संस्था है सबसे, क्योंकि हमारी सर्वश्रेष्ठ है, यही आज मेरे मन में ख्याल आता कि जो दूसरी संस्थाएं हैं फॉर एग्जांपल जैसे ये स्वामी नारायण वगैरह है, तो
क्योंकि वो प्रामाणिक है कि नहीं है उसका भी हमें पता नहीं है। और फिर जो शिष्य होते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मन गढ़ क्या अपने हिसाब से इंसान करे तो फिर वो क्या भक्ति हो गई, वो तो मतलब कुछ भाव ही हो गया कुछ और प्रकार का जैसे। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि सब कुछ प्रामाणिक तौर पर प्रभुपाद जी ने दिया है, ब्रह्मा जी से हम आते हुए आ रहे हैं, तो ये बहुत एक अच्छा माता जी, ये मतलब हमें पता है कि हम भटकेंगे नहीं क्योंकि हमारा जो सिस्टमैटिक है। लेकिन माता जी मतलब ये जो है बहुत एक अच्छा हमारे लिए, मतलब हम हमारा कोई अंधश्रद्धा नहीं है क्योंकि हम जानते हैं बाकी लोगों का कि वो कुछ भी मतलब अपने हिसाब से, जैसे आपने बताया ये मैंने देखा है। और इसी वजह से एक बार राधिका कृपा माता जी का मैं सुन रही थी लेक्चर, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि हमारा इतना कट्टर पालन करना होता है, जैसे चाय कॉफी कितने लोग छोड़ नहीं पाते, प्याज लहसुन का भी, तो वो फिर क्या करते हैं कि ठीक है इसे तो अच्छा हम संस्था ही छोड़ देते हैं और चलो दूसरों में चले जाते हैं। तो एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से भी पूछा था कि प्रभुपाद आपको हैरानी नहीं होती कि इतने लोग हमारे संस्था से मतलब जुड़े, या तो प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा कि हैरानी इस बात की हो नहीं रही है कि कितने जुड़ रहे हैं, हैरानी इस बात की होती है कि कितने लोग जुड़ के अभी भी, जब से हम कब से हमारी स्पॉन्सर्स है, अभी भी जो जुड़े हुए अभी तक जुड़े हुए हैं, हैरानी इस बात की है। तो वो ही बात होती है माता जी की, कितने लोग हम जानते हैं हमारे चार नियम, ये हम सब जानते ही है कितने कट्टरता से पालन करना पड़ता है, तो जो जुड़ जाए वो तर जाए, और अब तक वो जुड़ा ही रहे वो बेस्ट है। लेकिन कितने लोग मैंने खुद देखे हैं हमारे पियर्स में, मतलब हमारे हम उम्र के जो बच्चे हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, वो ये सोचते हैं कितना कट्टरता से पालन करना पड़ेगा, और है हमारे चार नियम और ये सब जो भी चाय कॉफी। और तो वो प्रभुपाद जी का मैंने जब सुना था तो वो एक स्ट्राइक करता है कि वाकई में हमें ताजुब उस चीज का होना चाहिए कि कितने लोग जुड़ के अभी भी जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि कितने लोग नहीं कर पाते और वो छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो उस आसक्ति को नहीं छोड़ पाते कि चाय लोग छोड़ नहीं पाते, प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाते। तो ये जस्ट सुना था माता जी, इसलिए मैंने कहा ये मैं ऐड करूं कि जैसे आपने कहा हमारी कट्टरता से पालन करना होता है, तो अगर हम जुड़े ही रहेंगे तो भगवान आज नहीं तो कल खुद ही उस चीज को हमारे मन से भी निकाल ही देंगे आसक्तियों को। तो थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाप्रभु। ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते एक कोई भाग्यवान जीव होता है जिसको गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लेता है, जिसके गुरु की कृपा होती है। तो हम सब भाग्यवान है कि हमारे ऊपर गुरु की कृपा हुई है, बस अभी हमें क्या करना है, हमें बने रहना है, हमें अभी टिके रहना है, गुरु की सेवा करते ही रहना है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी को।